Hi guys, I hope you are doing great. My name is Tushar and welcome to our YouTube channel Watch with Tushar. आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित नैनीताल के बारे में, जिसे भारत का डिस्ट्रिक्ट टाउन भी कहा जाता है। नैनीताल एक हिल स्टेशन है। खूबसूरत पहाड़ी वादियों में बसा नैनीताल हमेशा से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ के ऊंचे और खूबसूरत पहाड़, झीले, मंदिर और चारों तरफ फैली हरियाली आपको नैनीताल का दीवाना बना देगी। यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए एवरी ईयर दुनिया के हर कोने से टूरिस्ट आते हैं। तो चलिए जानते हैं नैनीताल कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं और साथ ही यहाँ के टूर प्लेसेस कौन कौन से हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट नैनीताल, नैनीताल घूमने कब जाएं। नैनीताल सिटी पर्यटकों को साल भर आने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। हालांकि नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा टाइम मार्च मंथ से जून मंथ तक का माना जाता है। अगर आप स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो आप फिर विंटर सीजन में भी यहां जा सकते हैं। हाउ टू रीच नैनीताल, नैनीताल कैसे पहुंचे। अगर आप फ्लाइट से नैनीताल जाना चाहते हैं तो नैनीताल के लिए आपको कोई डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको नैनीताल के नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर जाना होगा, जो नैनीताल से अप्रोक्स 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से आप कैब या फिर बाई बस नैनीताल पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई रोड नैनीताल जाना चाहते हैं तो आप बाई रोड भी नैनीताल जा सकते हैं। इसके लिए आप बाई बस या फिर अपनी पर्सनल कार से नैनीताल जा सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन नैनीताल जाना चाहते हैं तो आपको नैनीताल के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम जाना होगा, जो नैनीताल सिटी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डेली बस सर्विस नैनीताल और काठगोदाम के बीच अच्छी सर्विस देती है। अब जानेंगे नैनीताल के टूरिज्म प्लेसेस। टिफिन टॉप, अयारपट्टा हिल में स्थित टिफिन टॉप नैनीताल में बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इस जगह से नैनीताल सिटी और आसपास की जगहों का शानदार और खूबसूरत व्यू देखा जा सकता है। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करता है। टिफिन टॉप को डोरोटी सीट भी कहा जाता है। डोरोटी एक फॉरेनर पेंटर थी जो यहाँ बैठकर पेंटिंग बनाया करती थी। इसी के नाम से टिफिन टॉप को डोरोटी सीट भी कहा जाता है। अब जानेंगे राजभवन के बारे में। राजभवन को गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड में स्थित दूसरा गवर्नर हाउस है। पहला गवर्नर हाउस देहरादून सिटी में स्थित है। यह गवर्नर हाउस उत्तराखंड के राज्यपाल का सरकारी आवास है, जो 220 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 13 कमरे, शानदार बगीचा और गोल्फ लिंक भी बने हुए हैं। राजभवन घूमने के लिए पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे देश में कुछ ही गवर्नर हाउस है जो आम जनता के लिए खुले हैं। इनमें से एक है उत्तराखंड का गवर्नर हाउस। अब बात करते हैं मॉल रोड की। नैनीताल की मॉल रोड, जो नैनी झील के समानांतर चलती है, नैनीताल में मौजूद यह रोड नैनीताल में शॉपिंग का हब भी कही जाती है, जहां से आप हाथ से बने हुए और यहां के लोकल फेमस कई चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। हाल ही में इस रोड का नाम बदलकर मॉल रोड से गोविंद वल्लभ पंत रोड रख दिया गया है। यह रोड मल्लीताल को महाली से जोड़ती है। अब बात करते हैं नैनीताल के इको केव गार्डन की। अपने इंटरकनेक्टेड रोड केव्स, हैंगिंग गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन के लिए फेमस इको केव गार्डन डिफरेंट एनिमल्स के आकार और नेम में 6 छोटी केव्स का एक ग्रुप है। यहाँ पर टाइगर केव्स, लेपर्ड केव्स, फ्लाइंग फॉक्स केव्स, एप केव्स जैसी कई गुफाएं मौजूद हैं। ये सभी केव्स नेचुरल है, जिसकी देखरेख स्थानीय प्रशासन द्वारा करी जाती है। यहाँ पर इवनिंग टाइम में ऑडियो और वीडियो इफेक्ट्स के साथ म्यूजिकल फाउंटेन्स का मजा ले सकते हैं। अब जानेंगे नैना पीक के बारे में। नैना पीक नैनीताल का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। नैना पीक समुद्र तल से 2011 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैना पीक से पूरे नैनीताल का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। इसी के साथ नैना पीक नैनीताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मल्लीताल और स्नो व्यू से यहाँ की जर्नी के लिए विजिटर्स हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। जब भी आप नैनीताल घूमने जाएं तो नैना पीक जरूर जाएं। अब बात करते हैं स्नो व्यू पॉइंट की। समुद्र तल से तकरीबन 2280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह नैनीताल का सबसे पॉपुलर टूरिज्म प्लेस है, जो नैनीताल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर विजिटर्स रोप वे या कैब से आ सकते हैं। यहाँ से हिमालयन माउंटेन का खूबसूरत परिदृश्य देखा जा सकता है।
इस पॉइंट का सबसे अच्छा व्यू अक्टूबर से नवंबर मंथ के बीच देखा जा सकता है, जब पूरा एरिया बर्फ से ढका रहता है। स्नो व्यू पॉइंट शेर का डंडा रिज के टॉप पर स्थित है, जहां से शानदार और खूबसूरत व्यू देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नैनी झील के बारे में। नैनीताल के दिल में बसी है खूबसूरत नैनी झील। यह झील नैनीताल का सबसे पॉपुलर टूरिज्म अट्रैक्शन है। कथाओं के अनुसार आग के आकार में बनी इस झील का निर्माण उस स्थान पर हुआ जहां पर हिंदू देवी सती की बाई आग गिरी थी। नैनी झील को तीन संतों की झील या फिर त्रिरुसी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह लेक काफी लंबी है, जिसका नॉर्थ पॉइंट मल्लीताल और साउथ पॉइंट तल्लीताल के नाम से जाना जाता है। नैनी झील अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी फेमस है, जो एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट भी है। नैनी झील में आसपास के सारे पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिससे इसका पानी बिल्कुल हरा दिखाई पड़ता है, जिससे यह सीन काफी मनोरम लगता है। झील पर आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, जिससे आप झील की खूबसूरती को करीब से महसूस कर पाएंगे। अब जानेंगे भीमताल लेक के बारे में। समुद्र तल से तकरीबन 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील नैनीताल और आसपास के एरिया में स्थित सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इस झील का नाम पांडवों में से एक पांडव भीम के नाम पर रखा गया था, जो नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील में बोटिंग जैसी कई एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक ईगल, वॉलकीपर वर्ड्स जैसे कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियों को देखा जा सकता है। इस लेक के बीच में एक फिश एक्वेरियम भी बना हुआ है, जहां पर आप बोटिंग करके जा सकते हैं। इसमें आप मैक्सिको, साउथ अफ्रीका की दुर्लभ मछलियों को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं जीवी पंत जू के बारे में। इस जू का पूरा नाम गोविंद वल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू है, जो समुद्र तल से तकरीबन 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह नैनीताल टूरिज्म की हॉटस्पॉट जगह मानी जाती है, जो नैनीताल बस स्टैंड से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जू में कई प्रकार के वन्यजीव जैसे टाइगर, हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, लोमड़ी जैसे कई प्रकार के वन्यजीवों को देख सकते हैं। जू की एंट्रेंस टिकट्स एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज और चिल्ड्रंस के लिए 20 रुपीज हैं, जो मॉर्निंग में 9 बजे से इवनिंग में 4 बजे तक खुला रहता है। इसी के साथ जू मंडे को बंद रहता है। अब बात करते हैं नैनीताल की किलबरी बर्ड सेंचुरी के बारे में। नैनीताल से अप्रोक्स 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह एक पॉपुलर टूरिज्म स्पॉट है, जो पक्षियों को देखने के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। पर्यटक इस खूबसूरत जगह पर 250 से ज्यादा पक्षियों को देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों की जानकारी के लिए लोकल गाइड भी मौजूद हैं। जब भी आप नैनीताल की जर्नी के लिए जाएं, तो किलबरी बर्ड सेंचुरी देखना ना भूलें। आई होप यू विल एंजॉय ऑल प्लेसेस ऑफ नैनीताल। वी विल सून अपलोड ए न्यू एक्साइटिंग वीडियो अबाउट दी अनदर सिटी। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक गुड केयर फॉर योरसेल्फ।